तेरा ही नाम जले, ये दे तेरी नजर। गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है अलाइट मोशन, देन सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है नोड वीडियो, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अलाइट मोशन को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, देन नोड वीडियो को भी आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। लाइट मोशन को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको 9:16 की साइज को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर फ्रेम रेट जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा 30:25, ठीक है। और यहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक ऐड करके यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देंगे। अभी गाइस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। प्लस पर टैप कीजिए, मीडिया में आइए, और जो प्रीव्यू में आपने जो वीडियो देखा था ना, जो स्टेटस देखा था, उसी वाली वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। मैंने सभी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, XML प्रीसेट वगैरह सबको, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको टैप कर लेता हूँ और 3 डॉट पैक एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे ऐड कर लूँगा, तो ये सॉन्ग आ जाएगी। बाकी गाइस देखो, लिरिक्स मैंने कहाँ तक, ये फर्स्ट वाली जो है ना, ये इतना मेरे को पहले लिरिक्स क्रिएट करना है, तो यहाँ एक बीट मार्क लगा देता हूँ, आप भी लगा सकते हो इस तरीके से। बाकी वीडियो को टैप करके हम डिलीट कर लेंगे। इतना मैंने इसलिए यहाँ पर गाइस ये बीट मार्क लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पर गाइस अपने टैक्स लिखना है, ठीक है। लाइक जैसे देखो, मैं ये वाला टैक्स लिखने वाला हूँ, तो गाइस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट यार, वो वीडियो शायद सेव ही नहीं हुआ गाइज। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो टेक्स्ट है ना गाइज, टैग यूर लव, ये लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीट मार्क लगा दिया। तो प्लस पे आइए और टेक्स्ट पे आइए, और यहाँ पर आपको लिख लेना है कैपिटल में स्टार्टिंग का वर्ड टैग यूर लव, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। और एक इस यहाँ पे टैप करके रखना तो इमोजी आ जाएगा। अब इस ऑप्शन को टैप कीजिए और इसको टैप कर लो, तो देखो कुछ इमोजीज आपको शो हो जाएंगे। तो एंड में यहाँ पर बस रख लेना, बाकी को डिलीट कर देना। कलर में आकर वाइट कलर के ऐड कीजिए और रोबोटो रेगुलर में जाइए, सोल सिग्नेचर नाम की फॉन्ट है, इसको गाइज यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इसको कैसे ऐड करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लीजिए और ऐसे करके गाइज रख लेना है, ठीक है। मूवमेंट ट्रांसफर में आइए, इसकी साइज को छोटा करके यहाँ पर सेंटर में रख लो, बाकी इधर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लो, ठीक है। अभी इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आइए और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा स्ट्रैप्स, ठीक है। तो ये वाला मिलेगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो गाइज देखो, यहाँ पर काउंट को पूरा जीरो कर लीजिए और विड्थ को यहाँ पर थोड़ा सा फिलहाल के लिए कम करो, और यहाँ पे फेस को बस यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, तो एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करके पूरा रोटेट करके यहाँ पर 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ को और कम करेंगे, तो यहाँ पर योर पर ओनली रखना है मुझे। फेस को कम कर लेना है कुछ इस तरीके से, और विड्थ थोड़ा सा और इंक्रीज करना है मुझे, और फेस को यहाँ पर ऐसे करके हमने रख के कवर कर देना है। ब्लू कलर है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर को ऐड कर लो। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। देखो इस तरीके की इफ़ेक्ट वगैरह मैंने पहले कल भी बताया था एक वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी सारे लोग नए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको टैप करेंगे, इफेक्ट में आके इफेक्ट पर आइए और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लो। अब टैप कीजिए और टेक्स्ट स्पेसिंग मैंने सेलेक्ट के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर लिख लेना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर रेंज में आइए, एक प्लस स्टार्टिंग में लगा दीजिए स्टार्ट के, और एक इसकी एंड से पहले लगा लो, ठीक है, और इसको पूरा फुल कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म पर आना है, लेटर की जगह वर्ड कर लेना है, और यहाँ पर गाइस ऑफसेट के एक्स है ना, इसको माइनस कर लेंगे 109, ठीक है, -109, और डन कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अल्फ़ा को पूरा यहाँ पर 1 कर लेना है माइनस करके, ठीक है। तो देखो इस बार ना ये इस तरफ से आपको कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। थोड़ा वैल्यू मैं म्यूट कर लेता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंड में ही रहना आपने, और प्लस में आके फिर से इफेक्ट में आके इफेक्ट पर आना है, और इस बार आपको सर्च कर लेना है डायरेक्शनल ब्लर, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन कीजिए। डायरेक्शनल ब्लर को टैप करके स्ट्रेंथ को जीरो कर लो, और थोड़ा एंड में यहाँ पर एक प्लस लगा लो, और एक पूरी एंड में जाके लगा के इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है।
अब गाइस यहाँ पर हमने डन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, इसको म्यूजिक को टैप कर सकते हो, प्लस में आकर कॉपी लेयर कर लेना तो ये म्यूजिक कॉपी हो जाएगा, बाकी डिलीट कर लीजिए, इतना ये बन जाएगा। इसको क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। और सेव करने के बाद में यहीं पे स्टार्टिंग में रहना है, आप प्लस में आके पेस्ट लेयर करने तो म्यूजिक दोबारा आ जाएगा। बाकी इस टैक्स को हम अभी डिलीट कर देते हैं। अब आपको नोड वीडियो को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है नोड वीडियो। और ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पर अब ध्यान से देखते रहना है क्या करना है, तो न्यू पर टैप कीजिए और यहाँ पर रेडियो के ऑप्शन को टैप करके आपको 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। देन प्लस पे आना है, मीडिया में आना है, वीडियो में आना है, जो वीडियो अभी हमने जो बनाया है उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हो। अब आपको एस प्लस पे टैप करना है, फिर एस एस रेस्टोर को टैप करना है, फिर ग्लो को टैप करके वो छोड़ देना है और यहाँ पर रूट वाले ऑप्शन में टैप कीजिए और एक्सपोर्ट पे टैप करके ग्रीन वाले बटन पे टैप कर दोगे तो वीडियो आपकी सेव हो जाएगा। मैंने पहले से सेव कर लिया, इसलिए गाइस यहाँ पर फिर से दोबारा आपको वही वाले प्रोजेक्ट में आ जाना है, ठीक है, जिसमें एडिटिंग कर रही हो, ठीक है। अभी प्लस में आएंगे, मीडियम आएंगे और यहाँ से मैं नोट वीडियो की फोल्डर में आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको नोट वीडियो की फोल्डर में आ जाना है, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ, अभी देखो ये ग्लो वाला इफेक्ट मेरे को मिल चुका है, बाकी मैं इधर से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस पे आएंगे, मीडियम आएंगे और गाइज यहाँ से गैलरी में आएंगे। गैलरी से यहाँ से सबसे पहले हम एक इमेज को गाइज ऐड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर इस इमेज को ऐड करेंगे, मोबाइल ट्रांसफर में आएंगे, कुछ इस तरीके से जूम कर लेंगे, सबसे पहले इसकी ओपासिटी को जाके ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाके कम कर लेंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लिरिक्स हमने पहले बनाया था गाइज उसे भी रहने देते तो अच्छा रहता, बट चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि उस लिरिक्स को गाइज दोबारा मैं ऐड कर लेता हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना था क्योंकि गाइज वहाँ से ना मेरे को इफेक्ट चाहिए था, तो आप डिलीट मत करना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिलीट मत करना, ठीक है, उसको जो हमने इफेक्ट बनाया था उसको डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं कॉपी करके यहाँ पर रख लेना है, ठीक है, या डुप्लीकेट एक लेयर कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और उसी लिरिक्स को आपको दोबारा पेस्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, देखो ये वाला इफेक्ट को, ठीक है। जब पेस्ट करोगे तो इसको टैप कीजिए और सबसे पहले इसकी जो है यहाँ पर सारे इफेक्ट को बंद कर लो और एडिट में आके गाइस इसको डिलीट कर लो। और जो लिरिक्स आपने कॉपी किया होगा गूगल से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और नहीं तो अगर आपको याद है तो लिरिक्स यहाँ पर लिख सकते हो, मुझे याद नहीं तो मैंने कॉपी कर लिया था। अब स्टार्टिंग के वर्ड आपको सारे कैपिटल में डाल देना है कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए, साइज को जीरो कर लेना, अल्फा को थोड़ा सा कम कर दो और पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए इसकी ड्यूरेशन को हम एंड तक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने करना क्या है कि इस फॉन्ट को ऐड करना है, क्योंकि आपके पास फॉन्ट होगा नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। अब ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन में टैप करके ब्यूअल फॉन्ट में आइए, 3 डॉट पैक इंपोर्ट फॉन्ट में, जिस भी गैलरी में जिस भी फोल्डर में रखा होगा बस सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट आपको यहीं पर दिख जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सोल सिग्नेचर और यहाँ पर देखो ये फॉन्ट मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा पहले गाइस लिरिक्स को सुन लीजिए पहले, और सुनने के बाद में जितना गाइस यहाँ पर आएगा, जैसे कि इतना लिरिक्स यहाँ पर आ रहा है तो एक बीट मार्क लगा के कट लगा लो। अब इसको टैप करके एडिट करके ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर लो, फिर से गाइस बाकी के जो लिरिक्स आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो देखो मेरे को याद नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। आप इस तरीके से इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, फिर से सुन लेना है और जितना ये जहाँ पर आके ख़त्म होगा यहीं पे बीट मार्क लगा के कट लगा लीजिए, फिर लिरिक्स पर टैप करके एडिट में आइए और कुछ इस तरीके से सुन लेना है, ठीक है। और गाइस यहाँ से फिर से बाकी के लिरिक्स को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिरिक्स करके दिखा दिया हूँ, इस तरीके से पूरी एंड तक आपको यहाँ पर कर लेना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इतना होने के बाद फिर से प्ले करके सुन लेना, जहाँ पर आएगा बीच में यहाँ पर बीट मार लगा के कट लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा लिरिक्स को पहले बना लेना है, जब आपकी लिरिक्स बन जाएगा तो अब यहाँ पर फोटो को ऐड कीजिए और यहाँ तक कर लो, फिर दूसरा प्लस पे आइए, मीडियम आइए, दूसरा फोटो को ऐड कर लो कुछ इस तरीके से, फुल स्क्रीन कर लो, सेंटर में रखो, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में ओपासिटी को कम कर लीजिए और इसको टैप करके नीचे कर लो लिरिक्स के, और फिर से गाइस यहाँ तक आपको कर लेना है। फिर प्लस में आइए, मीडियम आइए, फिर से आपको जो दूसरा फोटो ऐड करना है इसको ऐड कर लो, फुल स्क्रीन कर लो, सेंटर में कर लो, फिर से ब्लेंडिंग
स्किन ओपासिटी मैकेज की ओपासिटी को कम कर लीजिए और ड्यूरेशन को फिर से यहाँ तक कर लीजिए और इसको नीचे कर लो कुछ इस तरीके से लिरिक्स के नीचे। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइस ये सारी इमेज आ चुके हैं, ठीक है, लिरिक्स भी आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से देखो ये जो लिरिक्स है इनको आपको यहाँ पर ये इफेक्ट को यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके थ्री डॉट में आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना और इनको रिमूव कर लेना। थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये यहाँ पर आके गाइज आ रहा है, तो चलो हम इन्हें यार इसको दोबारा हम क्रिएट कर सकते हैं, बट गाइज हमने करना क्या है, इन सबको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। और जो हमने पहले स्टार्टिंग में जो बनाया था ना लिरिक्स, उस लिरिक्स को आपको रख लेना है, ठीक है, और इसी को टैप करना थ्री डॉट पे आके और कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी प्रीसेट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना गाइज, ठीक है। बस इसको टैप करेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे, बस इस ट्रैप्स को आपको हटा देना है। अब यहाँ पर देखो आपको एड इफेक्ट पे फिर से चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सॉफ्ट ग्लो, ठीक है, क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है और बस यहाँ पर आपको ग्लो को पूरा फिल कर देना, आउटर ग्लो को, और डिफ्यूज़न कुछ ऐसे नाम का गाइस, इसको थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके बढ़ा लेना है ऐसे करके, देखो, ठीक है। तो थोड़ा देखो ग्लो जितना करना ज़्यादा कर सकते हो, मैं इतना कर देता हूँ, डन कर लेंगे। अब इसी पे थ्री यहाँ पे इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट करेंगे, जितने भी लिरिक्स से क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर से क्लिक कीजिए यहाँ पर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लो, क्लिक कर लीजिए इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लो। तो देखो यहाँ पर हमारी लिरिक्स भी गाइस कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब यहाँ पर इमेज पे इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए आपको इमेज को टैप करना है, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना फ्रैक्टल वर्प, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन कर लेना है। कुछ नहीं है, डिटेल में आना है, एक प्लस स्टार्टिंग में लगाना है, एक इसकी एंड में जाके लगा लेना और डिटेल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, यानी कि 125 के अप्रॉक्स, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड को क्लिक करके यहाँ पर बस एक इंक्रीज कर देना है। देखो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोटो हिलने लग जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड को दो करोगे तो थोड़ा सा स्पीड ये हिलेगा, देखो इस तरीके से। अब यहाँ पर थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लो, जितने भी फोटो है क्लिक कीजिए इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कीजिए, इसी तरीके से आपको कर लेना है। तो देखो हमारे यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर एक टैम्पलेट को ऐड करेंगे, तो यहाँ रहना बीट मार्क से एक पॉइंट पीछे, फिर प्लस में आना, मीडिया में आना गाइज, और उसके बाद में यहाँ पर गैलरी में आ जाएंगे। अब गाइज जो यहाँ पर एक इंक स्प्लैश वाली टैम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे और टैम्पलेट की थोड़ी सी गाइज यहाँ पर पार्ट को इधर क्लिक करके कट कर लेंगे और फिर यहीं पर मैं आ जाता हूँ, ठीक, एक पॉइंट और पीछे, और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आ लाइटन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। देखो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब आपको एक पार्ट और पीछे इसके रख के एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना। अब इसको क्लिक कर लीजिए, प्लस में आके कॉपी लेयर कीजिए, ठीक है। अब एक पार्ट हम पीछे रहेंगे एक पॉइंट और प्लस में आके पेस्ट लेयर, फिर से यहाँ पर एक पार्ट पीछे रहिए और इसको कट कर लीजिए, फिर यहीं पर प्लस में आकर पेस्ट लेयर कीजिए, और गाइज ये छोटा है तो थोड़ा सा मैं एक पार्ट बढ़ाऊंगा फिर यहाँ पे, और फिर से गाइज प्लस में आकर पेस्ट लेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो फाइनली हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पे फाइनली बन चुकी है। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, यहाँ पर सेव कर लेना बस, ठीक है।